आपको? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो भाई लोगों देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, वो भी दो बार। पहला सॉरी इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने 10 अपकमिंग डबल हीरो मूवीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी या कुछ रिलीजिंग डेट को गलत बता दिया था, जिसके कारण आपने जो कमेंट सेक्शन में मुझे प्यार दिया है ना, उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। लेकिन अब मैं जितने वीडियो बनाऊँगा उनमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही से सही जानकारी दे सकूँ, तो उसके लिए सॉरी। और दूसरा सॉरी इसलिए क्योंकि ये वीडियो को जाना ही लेट है और जिसका मेरे पास रीज़न भी है। मुझे बहुत ही जबरदस्त वाला फीवर हो गया था जिसके कारण वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन अब मेरा फीवर उतर चुका है और मैं अपने काम धंधे पर वापस आ गया हूँ। तो अब आपको वीडियो में इतना लंबा गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब हम वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको साईफाई मूवीज देखना तो जरूर पसंद होगा और इंडिया अब हर फील्ड में कुछ नया ट्राई कर रहा है, तो साईफाई मूवीज के मामले में कैसे पीछे रहेंगे। और आने वाले समय में इंडिया में भी साईफाई मूवीज की लाइन लगी हुई है, तो इस वीडियो में मैं आपको 10 अपकमिंग इंडियन साईफाई मूवीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, और किसी को दोस्त को भेजना हो तो शेयर भी कर देना। मुझे ना लड़ाई पसंद है और ना ही लड़ने वाले। JGM यानी कि जनगण मन, ये विजय देवराकोंडा और पूजा हेगड़े की आने वाली एक्शन वॉर साइंस फिक्शन मूवी है। एंड इस मूवी में आपको एक इंडियन सोल्जर की कहानी दिखाई जाएगी जिसको एक खतरनाक मिशन मिलता है, जिस मिशन को ऑब्वियसली इस सोल्जर को पूरा करना है। और इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए हमारा सोल्जर किन किन हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, वो सब आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं पुरी जगन्नाथ, जो इससे पहले विजय देवराकोंडा की मूवी लाइगर के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। लेकिन पुरी जगन्नाथ और विजय देवराकोंडा की मूवी लाइगर के एल लग चुके हैं, यानी कि लोगों ने इस मूवी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया, जिसका इफेक्ट इस मूवी पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से इस मूवी के पोस्टर अनाउंसमेंट के समय इस मूवी की रिलीजिंग डेट को 3 अगस्त 2023 बताया गया था, लेकिन अब इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है एंड ये मूवी 2024 में देखने के लिए मिलेगी। गणपत ट्रायलॉजी ये इस तरह की इंडिया में बनने वाली पहली मूवी है एंड इसके पहले पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। साथ इस मूवी के लीड में है टाइगर श्रॉफ और उनके साथ है कृति सेनन एंड अमिताभ बच्चन भी है इस मूवी में, जो एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। एंड अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में आपको फ्यूचर वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही इसके पहले पार्ट में तो सिर्फ स्टोरी को सेटअप ही किया जाएगा। एंड गणपत ट्रायलॉजी की पहली मूवी गणपत पार्ट 1 का बजट 150 करोड़ है एंड गणपत पार्ट 2 और गणपत पार्ट 3 भी एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसका बजट इसके पहले पार्ट से तो ज्यादा ही होगा एंड इसके पहले पार्ट के बाद ये मूवी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि ये दोनों मूवी 2026 या 2027 तक रिलीज हो सकती हैं, और हाँ ये दोनों मूवी भी इस लिस्ट में शामिल है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विकास बहल, जिन्होंने इससे पहले सुपर 13 और गुड बाय जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था एंड ये उनकी डायरेक्ट की गई पहली एक्शन मूवी होने वाली है, जिसका पहला पार्ट 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगा। पसंद है और ना ही लड़ने वाले। डबल स्मार्ट शंकर, रामपथी नानी की एक मूवी आई थी 2019 में आई स्मार्ट शंकर, जो उस टाइम की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी एंड ये मूवी उसी मूवी का सीक्वल है। एंड इस मूवी के लीड में आपको देखने के लिए मिलेंगे रामपथी नानी, और इस मूवी की बाकी स्टार कास्ट की अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। एंड ये भी एक साइंस फिक्शन मूवी है, जहाँ इसके पहले पार्ट में शंकर के दिमाग में चिप डाली थी, अब पता नहीं इसके दूसरे पार्ट में कहाँ पर क्या डालेंगे, मतलब इसके दूसरे पार्ट की स्टोरी को अभी रिवील नहीं किया गया है। एंड डबल स्मार्ट शंकर मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं पुरी जगन्नाथ, जिन्होंने पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया था एंड वही इसके दूसरे पार्ट के भी डायरेक्टर है। और इस मूवी की शूटिंग 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बाद ये मूवी आपको 8 मार्च 2024 को देखने के लिए मिलेगी। अभी अपन है उस्ताद डबल स्मार्ट शंकर। मार्क एंथनी, ये साउथ की तरफ से आने वाली बड़ी साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल एंड एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल एंड सूर्या, ये वाला नहीं ये वाला सूर्या, एंड रितु वर्मा और सुनील जैसे एक्टर भी देखने के लिए मिलेंगे आपको इस मूवी में। और अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें आपको टाइम ट्रेवल देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह विशाल का कैरेक्टर एक टेलीफोन के जरिए टाइम ट्रेवल करता है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड विशाल इस मूवी में आपको डबल रोल में देखेंगे। मार्क एंथनी मूवी का बजट 60 करोड़ है और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं आदिक रविचंद्रन, और इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंडिया में वैसे ही तो टाइम ट्रेवल मूवी बनती नहीं है और जो बनती है वो इतनी अच्छी होती नहीं है, तो अब देखते हैं कि ये मूवी कैसी निकलती है। मेरे ख्याल से इस मूवी को अच्छा होना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर विशाल का करियर बहुत ठंडा चल रहा है। ये मूवी 19 सितंबर 2023 को रिलीज होगी।
कि एक दिन अपनी जान बचा लेंगे तो यहाँ फ्यूचर में आ जाएंगे सर। फोन में टाइम ट्रैवल, ये नया है। मायावी सूर्या का नाम सुना है, वही जो विक्रम मूवी में रोलेक्स बने थे, इस मूवी के लीड में भी वही नजर आएंगे। मायावी मूवी में सूर्या का एक हाथ लोहे का होगा और ये मूवी साइंस फिक्शन एक्शन मूवी होने वाली है। इस मूवी की अभी सिर्फ अनाउंसमेंट ही की गई है और सूर्या के अलावा इसके स्टारकास्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ डायरेक्टर को छोड़कर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे लोकेश कनकराज, जिन्होंने इससे पहले विक्रम और कैथी जैसी मास्टरपीस मूवी को बनाया है। और मायावी मूवी को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सूर्या और लोकेश कनकराज दोनों ही अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। और ये मूवी दी स्टील क्लो नाम की एक कॉमिक से इंस्पायर्ड होगी। इस मूवी का बजट भी 200 से 300 करोड़ बताया जा रहा है। और इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये मूवी 2024 के मार्च महीने में रिलीज हो सकती है। शाहिद कपूर एंड कृति सेनन अनटाइटल्ड रॉबोट मूवी, ये भी एक रोमांटिक साईफाई मूवी होने वाली है। इस मूवी के लीड में आपको नजर आएंगे शाहिद कपूर और उनके साथ कृति सेनन भी, एंड धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया भी है इस मूवी में। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें कृति सेनन एक रॉबोट बनेगी और शाहिद कपूर एक साइंटिस्ट, एंड साइंटिस्ट और रॉबोट की लव स्टोरी दिखाई जाएगी इस मूवी में। और इन दोनों की लव स्टोरी कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। और साइंस फिक्शन रोबोटिक मूवी की बात करें तो रोबोट और 2.0 ऐसी मूवी है जिनको सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी मिली है इंडियन साइंस फैशन मूवीज में, एंड उनके बाद ये रोबोटिक मूवी आ रही है, तो इसका लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, साथ ही इस मूवी से उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। एंड इस मूवी के डायरेक्टर है अमित जोशी और ये मूवी 7 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। कोको, भाई ठोको नहीं, मूवी का नाम कोको है। ये साउथ की तरफ से आने वाली बड़ी साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जय कुमार एंड इसके प्रोड्यूसर है संदीप वांगा रेड्डी। और जय कुमार ने इस मूवी की स्टोरी को लिखा है। इसके अलावा इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में और कुछ भी नहीं बताया गया। अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसमें एक वूमेन की कहानी दिखाई जाएगी कि किस तरह वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एंड हैकिंग करके सिस्टम के साथ लड़ती है। और साथ ही इस मूवी में आपको टेक्नोलॉजी का डार्क साइड भी देखने के लिए मिलेगा। ये इंडिया की ऐसी पहली मूवी है जो वियतनाम और ताइवान भाषा में भी रिलीज होगी। एंड अगर हम इस मूवी की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये मूवी 31 मई 2024 को देखने के लिए मिल सकती है। कालचक्र, या कहा जाए तो प्रोजेक्ट के, यही एक ऐसी मूवी है जो साईफाई मूवीज की लिस्ट में होना ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंडिया की अब तक की आने वाली सबसे बड़ी साइंस फिक्शन मूवी है। एंड ये मूवी इंडिया की तरफ से कॉमिक कॉन फेस्टिवल में भी जा रही है जहां पर इसका टाइटल या फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा। और कुछ खबरों की माने तो इसका टाइटल कालचक्र होने वाला है। एंड इस मूवी के स्टारकास्ट बहुत ही दमदार है। इस मूवी के लीड में आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रभास और साथ ही उनके अपोजिट रोल में है कमल हासन एंड अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण भी है इस मूवी में। एंड अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी फ्यूचर में सेट की जाएगी जो कि महाभारत के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होगी। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नाग अश्विन और उन्होंने इस मूवी की कहानी को भी लिखा है। इसका बजट है 600 करोड़ यानी कि बहुत ही ज्यादा। और प्रोजेक्ट के यानी कि कालचक्र के बारे में तो मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, लेकिन अब इस वीडियो की लेंथ को ज्यादा बढ़ाते नहीं है। कालचक्र की रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये मूवी पैन वर्ल्ड लेवल पर 12 जनवरी 2024 को रिलीज होगी, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि ये मूवी पोस्टपोन हो सकती है। तो यही थी वो इंडियन साईफाई मूवीज जो आपको आने वाले समय में दिखने वाली हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड भाई किसी को शेयर भी कर देना अगर दोस्त को भेजना हो तो। और एक और बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगला वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी टॉपिक बोलोगे मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।